अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रेशम। स्पाइसी टेस्ट में आप सबका वेलकम। आज मैं मैगी लवर्स के लिए लेके आई हूँ चिकन मैगी नूडल्स की रेसिपी। ये चिकन मैगी नूडल्स आज मैं बहुत ही आसान तरीके से बनाऊंगी और ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। लाल बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सबसे पहले हम एक बर्तन में पानी को गर्म कर लेंगे। पानी हम उतना ही डालेंगे कि मैगी अच्छी तरीके से इसके अंदर डीप हो जाए। तो पानी को अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिए। जब पानी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे मैगी नूडल्स और मैगी नूडल्स को डाल के इसे 90% तक पका लेंगे। ये देखिए मैगी नूडल्स के जो पार्ट्स हैं बिल्कुल अलग अलग ही सारे नूडल्स होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस इसे हम थोड़ा और पका लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं सारे पार्ट्स। ये देखिए बिल्कुल मैगी अच्छी तरीके से ये गल गई है। बस हमें इतने ही चाहिए 90% तक। अब इसे निकाल लेंगे और इसे छान लेंगे हम। मैगी को अब हम छान लेते हैं और छानने के बाद इस पे हम डालेंगे ठंडा पानी और इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे ताकि मैगी और ज़्यादा ना गले। तो निकाल के ठंडा पानी आप ज़रूर डालें। अब इसे छान के इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच ऑयल। ऑयल डाल के मैगी में अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेंगे। ऑयल डालने से ये होता है कि मैगी आपस में चिपकती नहीं है और मैगी जो है इसके पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग रहते हैं और खिले खिले से रहते हैं और ये बिल्कुल भी नहीं चिपकते आपस में। अगर ऑयल डाल के अच्छे तरीके से नहीं मिलाएंगे ना तो ये सारी मैगी ना बिल्कुल जम सी जाएगी, तो इसलिए ऑयल ज़रूर मिलाएं। अब हम एक पैन में 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे और ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे हम कटे हुए लहसुन। लहसुन डाल के 1 मिनट के लिए लहसुन को फ्राई कर लेंगे। इससे लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो फ्लेम को लो ही रखें और लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। बिल्कुल ज़्यादा इसे ब्राउन ब्राउन सा नहीं करना है। जब लहसुन ऐसे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए इसमें डाल देंगे हम कटे हुए प्याज। प्याज को आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। और प्याज डाल के अब हम प्याज को 2 मिनट के लिए इसे सॉफ्ट होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। ये देखिए प्याज को अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेते हैं। जब प्याज अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसे डाल के भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। जब हम इस तरीके से कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं ना तो जब हम मैगी खाते हैं ना उस टाइम टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो इस तरीके से आप ज़रूर डालें। अब हम डाल देंगे इसमें टमाटर और टमाटर डाल के इसको 1 मिनट के लिए अच्छे तरीके से ऐसे फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अगर आपको कोई और सब्ज़ी डालनी है तो आप जो भी आपको पसंद हो वो सब्ज़ियाँ आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे उबले हुए चिकन और चिकन डाल के हम अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि थोड़ा सॉफ्ट ना हो जाए। तो 2 मिनट तो कम से कम ज़रूर फ्राई करें इसे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए। और नए हैं अगर आप मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ये फ्राई हो चुकी है। ये अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच डाल देंगे हम इसमें लाल मिर्च। मैगी मसाला डालेंगे। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें विनेगर और 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें सोया सॉस। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरीके से मिल जाएं। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मिल चुके हैं ये। अब हम इसमें डाल देंगे मैगी नूडल्स।
ये देखिए सारे मैगी नूडल्स के पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग हैं और खिले खिले से हैं। ये देखिए बिल्कुल भी मैगी बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं। अब हम सारी मैगी को अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। अब चम्मच और फॉर्क के हेल्प से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। मैं इसमें अभी टोमेटो सॉस और ग्रीन चिली सॉस नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बाद में डाल के खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसलिए मैं जब ये बन जाती है मैगी उसके बाद ही, मैं बनने के बाद इसमें डाल के खाती हूँ, इसे टेस्ट और भी अच्छा आता है। अगर आप चाहते हैं अभी डालना तो आप अभी भी डाल सकते हैं। तो आप एक एक चम्मच इसमें ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस डाल सकते हैं और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए बस इसे हम 2 मिनट के लिए ना ऐसे और करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिल जाए। ये देखिए कितनी यमी लग रही है मैगी दिखने में और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप चिकन मैगी नूडल्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। और इस तरीके से हम जब हरी मिर्च को डालते हैं ना तो इसका टेस्ट तो पूछिए मत, इतना यमी आता है ना, इतना यमी, यकीन मानिए आप ट्राई करेंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाना है। तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी मैगी कैसी बनी है। चिकन मैगी नूडल बनके बिल्कुल रेडी है, चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।